देखते हुए नार क्षेत्र में सभी मंदिरों पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया है ड्यूटी। पीएसी को भी किया गया है तैनात। एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। सावन को देखते हुए नगर निगम के द्वारा सभी मंदिरों की कराया गया है साफ सफाई, किया गया है लाइटिंग की व्यवस्था। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी नदी के जलस्तर की जा रही है निगरानी। एडीएम फाइनेंस विनीत सिंह ने दी जानकारी। गैंग बनाकर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी व अन्य आपराधिक कृत्य करने वाले 6 अपराधियों को हरपुर बुधर थाने की पुलिस ने गैंग के D7 में किया सूचीबद्ध। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने महानगर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। नो पार्किंग में खड़े वाहनों का किया चालान, कहा ट्रैफिक नियमों का करें सभी लोग पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई। गोरखपुर के नवागत मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कारभार किया ग्रहण, कहा शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है पहली प्राथमिकता, फरियादियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे ऑफिस के दरवाजे। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। जनपद में सावन को देखते हुए नार्थ क्षेत्र के सभी मंदिरों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाया गया है। SP नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा कि सावन को देखते हुए नार्थ क्षेत्र में सभी मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाया गया है। इसके अलावा मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि इस बार सावन 58 दिन का है। जिन मंदिरों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर PSC को लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, मंदिरों पर विशेष रूप से महिला आरक्षण की तैनाती सुनिश्चित की गई है और पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके अलावा फायर और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी वहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई अनहोनी या ऐसी घटना ना हो। जिन मंदिरों पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है, कुछ जगह PSC भी दी गई है। महानगर में सावन को देखते हुए सभी मंदिरों की नगर निगम के द्वारा साफ सफाई करवा दी गई है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सावन चल रहा है, जिसको देखते हुए सभी मंदिरों की साफ सफाई व लाइट की व्यवस्था करवा दिया गया है। इसके अलावा पार्षदों से फीडबैक लिया जा रहा है, जहां भी जिसकी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर करवाया जा रहा है। नगर निगम की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार सावन 58 दिन का है, इसलिए हम लोग सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, सावन के आज पहला सोमवार है तो जितने भी हमारे शिव मंदिर हैं और विभिन्न मंदिर हैं वहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधाएं पहले से दी जाती हैं, चाहे वो जल आपूर्ति की व्यवस्था हो, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, साथ ही साथ और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं जिनसे हमारे श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए नगर निगम ने पूरी तरीके से पूरे सभी मंदिरों पर व्यवस्था कराई है और माननीय पार्षदगणों के द्वारा भी विभिन्न जगहों से फीडबैक भी आ रहा है। हमारे सफाई कर्मी सुबह से ही उन जगहों पर लगे हुए हैं और चूंकि सावन का महीना भी लंबा चलना है, इस बार सावन का महीना भी ज़्यादा है, तो नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं साफ सफाई को लेकर विशेष तौर पे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है, ये व्यवस्था सुचारू रूप से दी जा रही है। जनपद में बाढ़ को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। इसके अलावा हम लोग नदी के जलस्तर पर भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अभी रोहिणी का जलस्तर कम हो गया है और राप्ती नदी भी घट रही है, लेकिन तब भी हम लोग सतर्क हैं। बाढ़ प्रभावित वाले गाँव को जागरूक किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा राशन किट का टेंडर कर लिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, बाढ़ के दृष्टिगत हमारी सभी बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं और उस पर लगातार हमारी निगरानी जारी है। इसके साथ ही नदी के जलस्तर पर भी हमारी सतत निगरानी जारी है और रोज की रिपोर्ट ली जा रही है। अभी जो स्थिति है वो रोहिणी या राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है, तो अभी बाढ़ की कोई समस्या क्षेत्र में नहीं है, किंतु हम इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं और प्रतिदिन का निगरानी वहाँ जारी है। फिर कोई समस्या आएगी, जलस्तर बढ़ेगा तो तदनुसार सभी पब्लिक को सूचित किया जाएगा समय से, जिससे कि बाढ़ को लेकर कोई परेशानी किसी को ना हो। सर, बाढ़ क्षेत्र में जो गाँव पड़ते हैं, बाढ़ क्षेत्र में जो गाँव पड़ते हैं उनको लेकर पहले से जागरूक किया जा रहा है कि जब भाई बाढ़ का जलस्तर का चेतावनी दिया जाए
तो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और उनको राहत सामग्री इत्यादि के वितरण के लिए जो भी शासन द्वारा निर्धारित मानक है उसका वितरण किया जाएगा। हरपुर बुधट थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर लूट डकैती व अपराध में शामिल 6 अभियुक्तों को गैंग D7 में सूचीबद्ध किया है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 6 अभियुक्तों के ऊपर गैंग D7 की कार्रवाई की गई है, जिनकी पहचान अमन दुबे पुत्र शेषमणि दुबे निवासी सहुआपार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा शिवम ओझा पुत्र राजनारायण ओझा निवासी परथरी पोस्ट हाटा बुजुर्ग थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, तीसरा गोलू दुबे उर्फ गोविंद पुत्र कुलबुल उर्फ अवधेश दुबे निवासी साहूपार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, चौथा रविंद्र कुमार पुत्र लाले प्रसाद निवासी सहुआपार थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, पांचवा महताब अली पुत्र नेबूलाल निवासी यशवंतपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, छठवां सुभाष यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी सुई बुजुर्ग थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP साउथ ने बताया कि यह सभी एक साथ मिलकर अपराध जगत में एक गैंग बनाकर चोरी लूट डकैती नकदधनी व अन्य आपराधिक कृत्य करते हैं। इनके आपराधिक कृत्यों से जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है। यह गैंग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त है। इस गैंग के ऊपर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु SSP द्वारा गैंग को गैंग D7 में सूचीबद्ध किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कुख्यात अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा लूट डकैती चोरी एवं नकबजनी करने वाले एक सातिर गैंग का गैंग रजिस्टर्ड किया गया है D07 नाम से। यह गैंग लूट डकैती के अलावा चोरी और नकबजनी भी कर लेता है। इस गैंग का पर्दाफाश तब हुआ जब इन्होंने हरपुर बुधहट क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी को धान लादने के लिए किराए पर बुक कराया और ले जाकर रास्ते में वो गाड़ी लूटी। तत्काल ही अभियोग पंजीकृत हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तथा परंपरागत मुखबिरी के माध्यम से इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें कई लोग शामिल थे। ये संख्या 5 से ज़्यादा होने के कारण लूट का यह मुकदमा डकैती में परिवर्तित हुआ और आरोप पत्र के बाद इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की गई। ये जो अभियुक्त हैं इसमें अमन दुबे शिवम ओझा गोविंद उर्फ गोलू दुबे रविंद्र कुमार मेहताब अली और सुभाष यादव ये अपराधी शामिल हैं और ये सभी अपराधी उरवा क्षेत्र के हैं, लेकिन इनके द्वारा अपराध प्रायः दूसरे थाना क्षेत्रों में किया जा रहा था। आज इनका गैंग D07 नाम से पंजीकृत हो गया। अब निरंतर इनकी निगरानी पूरे जनपद में और उरवा तथा हरपुर बुधट क्षेत्र में होती रहेगी। जनपद में ट्रैफिक पुलिस ने SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में गोलघर में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा अभियान शुरू किया गया है। प्रथम चरण में गोलघर के काली मंदिर से लेकर गणेश चौराहा जटेपुर कचहरी चौराहा तक चलाया गया है, जिसके तहत पार्किंग में गाड़ी न खड़ी करके सड़क को घेर कर खड़ा करने वालों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक सिग्नल पर पूरी लेन घेर कर खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त अस्थायी अतिक्रमण करने वालों जैसे ठेले लगाने वालों व दुकान को बाहर बढ़ाकर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियम का पालन करने की अपील की है। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, यातायात व्यवस्था को सुगम व सुचारू बनाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी अभियान की शुरुआत जो अभी आज से की गई है मेरे द्वारा, ये गोलघर जो सबसे महत्वपूर्ण इस नगर की मार्केट है, महत्वपूर्ण बाजार है, यहाँ पर पब्लिक की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गणेश चौराहे से शुरू किया गया है। गणेश चौराहे से काली मंदिर, तिराहा, जटेपुर, कचहरी तिराहा पर जो लोग सड़क घेर के, सड़क को काफ़ी जो है कि घेर के गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई चालान की कराई जा रही है। और जो चौराहों पर बाएं लेन में खड़ा करते हैं, जो बाएं लेन को पूरा घेर के खड़ा करते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो अस्थायी अतिक्रमण ठेले खोमचे इत्यादि द्वारा हुआ है सड़कों पर, उसको भी हटाया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप ट्रैफिक रूल का पालन करें, सड़क पर गाड़ी न खड़ी करें। इसके लिए नगर निगम द्वारा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था गोलघर में की गई है, पार्किंग में ले जाके गाड़ियाँ खड़ी करें, जिससे आवागमन में आम पब्लिक को कोई समस्या ना हो। गोरखपुर के नवागत मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी का तबादला ग्रेटर नोएडा के सीईओ के पद पर हो गया था। इसके बाद शासन ने गोरखपुर का नया मंडलायुक्त अनिल ढींगरा को बनाया था। मंगलवार को नवागत मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया, जो कि 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अनिल ढींगरा की गिनती तेज तर्रार और बेहद सख्त अफसरों में होती है। इससे पहले अनिल ढींगरा जल निगम नगरीय के प्रबंधक निदेशक के पद पर तैनात थे। अनिल ढींगरा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक के जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी से करूंगा, शासन की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही सभी फरियादियों के लिए हमारे कार्यालय के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।